अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। इंसान जो कुछ सोचता है वो कब होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो अल्लाह ताला की को मंजूर होता है वही होता है। इंसान सोचता है क्या क्या प्लानिंग्स बनाता है, लेकिन जो है ना, होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। हमारा पाकिस्तान जाने का प्लान था, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गया। तो जो है ना, फिर हस्बैंड चले गए, तो हमें बहुत जो है डिसहार्ट भी हुए, दुख भी हुआ, क्योंकि सारी तैयारियां हम कर चुके थे, बस अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन बस वो हमारा नहीं जाना हुआ और फिर हस्बैंड चले गए। तो वो कुछ दिन रहकर तो फिर जो है ना वो वापस आए। तो बस इंसान, मैंने कहा ना, बस अपनी तरफ से तो बड़ी प्लानिंग करता है कि मैं ऐसे होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है। तो बस अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। हाँ जी, ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए कीमा मटर आलू। तो इसकी रेसिपी आपको पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये जो हमारे टावर्स बने हुए हैं इधर सामने ही फ्रंट पे ना, हमारा ओपन डीप सी नज़र आता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, इसलिए जाना नहीं होता, लेकिन जब विंटर आता है तो फिर जो है हम कॉर्निश पे जाते हैं, उधर बैठते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी बाहर, फिर वॉक भी करते हैं। इधर ट्रैक भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो ये जो शारजा का, बल्कि कॉर्निश जो है वो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, अब उनका उसका ट्रैक भी। तो वॉक भी करते होते हैं और सामने ओपन डीप सी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी मैं पराठे बना के, तो ये मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ हाफ़ कुक करके। ये हमारे कीमा आलू रेडी हो गए, ये बच्चों के लिए बना के रख देती हूँ, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खाती रहती है। छोटी मीना को ज़्यादा शौक़ होता है, इसको डेली चाहिए होता है। ये जी चिकन टिक्का मलाई बोटी जो है ना, ये मैं मैरिनेट करने लगी। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला, थोड़ा सा सॉल्ट। ये चिकन ब्रेस्ट है, उसके मैंने ना क्यूब्स में ये कट कर लिया, इसको इसके पीसेस कर लिए। रेड चिली पाउडर डाला है, ये रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये ब्लैक पेपर थोड़ी सी, ब्लैक पेपर, और ये लेमन जूस। और इसको फिर जो है ना मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो फिर ये शाम को जो है ना वो फिर मैं ये थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के, इसमें फ्रेश क्रीम भी थोड़ी सी जाएगी, इसको मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर बाहर, फिर फ्रिज में। तो फिर शाम को जब ज़रूरत होती है तो फिर वो जो है ना तवे के ऊपर ही मैं जो है ना वो इसे कुक कर लेती होती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, जो डाइट और एक्सरसाइज करें उनके लिए तो बेस्ट है। वो ये है कि आप बॉयल्ड राइस के साथ थोड़ी सी दाल लेके, तो साथ ये जो है ना एज ए प्रोटीन के तौर पे, ये बहुत अच्छा जो है ना वो आप ले सकते हैं। ये माना ने कुकीज़ बनाई, बहुत अच्छी बन गई थी फर्स्ट टाइम जो है वो।
हाँ जी, ये मैं जो है अब इनको कुक करके तवे के ऊपर ही, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको पता है चिकन ब्रेस्ट के तो वैसे भी जो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो 10 to 15 minutes में ये रेडी हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे थोड़ा हमको इनकरेज होता है और वीडियोस बनाने की आप लोगों की हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, ये हमारी चिकन मलाई बोटी रेडी हो गई है, तो अब जो है वो इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ नाइट में खाएं, या फिर जो है वो वैसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चपाती रोल बनाकर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। ये थोड़ा फिर बच गया है, फिर मैं रख देती हूँ फ्रिज में नेक्स्ट डे के लिए। ये मैंने भी ट्राई किया फिर खुद, बहुत मज़ेदार, सीरियस में ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही डिलीशियस, मज़े चटकारेदार। ये मेरे अब्बू की बरसी थी तो फिर मैंने ज़रूर दिलाया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।